पंजाब के सीएम भगवंत मान सतलुज नदी के बांध में आई दरार का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सीएम भगवंत मान की मोटर बोट बाढ़ के पानी में पलटने से बाल बाल बची। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे सीएम भगवंत मान बाल बाल बच गए। दरअसल सीएम मान शाहकोट के पास सतलुज दरिया के बांध में आई दरार का जायजा लेने के लिए जब मोटर बोट में सवार हुए तो पानी में मोटर बोट हिचकोले खाने लगी। मोटर बोट जैसे ही बाढ़ के पानी में आगे बढ़ी तो उसने हिचकोले खाने शुरू कर दिए। तस्वीरों में साफ है कि बोट में जरूरत से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिस कारण पानी में कुछ आगे जाते ही मोटर बोट ने काला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। मोटर बोट ने दो बार इधर उधर हिचकोले खाए, लेकिन बोट पलटने से बच गई। मोटर बोट में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह तथा राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह भी थे। वहीं पंजाब के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अब सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर कहा कि सीएम भगवंत मान के फोटो शूट के लिए ट्रैफिक ब्लॉक करने की वजह से जालंधर में शाहकोट के लोहिया में एक गरीब मजदूर की जान चली गई, उसे इलाज नहीं मिल सका। जाखड़ ने मृतक मजदूर की फोटो भी जारी की है।